सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलर है इस कॉलर को अटैच करेंगे यहाँ पे, और ये दो देखें ये निशान लगा रखे, यहाँ पे पॉकेट है ये पॉकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद हम ये बटन पट्टी लगाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको छोटी वैसे 12 साल के बच्चे की वेडी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये कंधे से लेते हैं, जो कि हमने कंधे खोले थे, हल्का तिरछापन देते हुए कंधे से लेंगे। कपड़े को इस तरीके से, मतलब कि कम से कम जैसे कि हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रखने की वजह एक के ऊपर एक चढ़ा कर रखेंगे करीबन दो उंगल ना, हम एक के ऊपर एक चढ़ा कर रखेंगे। मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। हल्का सा फोल्ड किया हमने, आधा इंच करीबन फोल्ड किया, अब आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा क्या मैंने करा है। इसमें देखो अब इसके बाद हम एक डबल सिलाई और मार देंगे, से मशीन के बूटे जा रही पता रखेंगे ना सकेंगे, इसके बाद ये जो यहाँ पे सिलाई कराई ऊपर रखेंगे। उसे डबल फोल्ड करके फिर कट लगाना है, इसके बाद दोनों पल्लों को कटिंग कर लेना है। अब हम इस तरीके से कढ़ाई मारते हैं,
अब इसके बाद हम कट लगा देंगे और इस तरीके से पलट देंगे। और हमें तीनों कॉर्नर कोने है जो वो निकालना है और इसके ऊपर सिलाई करनी है। ठीक है, ये हमने पॉकेट लगा लिए। ऐसी ही पॉकेट हम यहाँ लगाएंगे, पॉकेट के ऊपर जो जिप होती है, जिप खोल दीजिए, कवर खोल दीजिए पॉकेट का। अब इसको पलट लो और पलटने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं। इसके बाद हम ये फिटिंग का निशान लगा देंगे, ये जो लगा रखा है हमने फिटिंग का। फिटिंग में हमेशा डबल सिलाई में लगानी चाहिए जिससे कि टाइट मिल जाता है। हम कर सकते हैं आज ये देखिए कि मैं दो सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब ये हम बाजू लगा रहे हैं। देखिए थोड़ी सी कॉफी टाइप की हमने बाजू लगा दी।
इसके बाद करना है इस स्लाइड मारिए जिस तरह आगे इसके तरीके से करना है। इसके बाद हल्का सा आधा स्कोर करते हुए हमें स्लाइड मारना है जैसे कि राइट से लेफ्ट बटन दबाइए। डबल स्लाइड लगानी है, तीसरी तरफ भी ऐसे लगती है, उस टाइप की लगनी है। अब इसके बाद हमें चोली को और घेर को ज्वाइन करना है, बट हमें सिर्फ एक चीज मिलानी होगी, जो हमने बटन पट्टी लगाई है इस बटन पट्टी को मिलाते हुए हमें घेर लगाना है। अगर डायरेक्ट आप कर सकते हो डायरेक्ट ठीक है, नहीं तो आप पहले नाप के देख लीजिए, अगर छोटा बड़ा तो चुन्नट डाल सकते हो। पीछे का हिस्सा जो जॉइंट है दोनों साइड के, वहां से नापते हुए हमें एक निशान लगाना है, जिससे कि आइडिया हो सके हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हमारे करीबन बॉक्स प्लेट रहेगी, ये देखिए हमने ये दोनों लुपटी है और एक लुपटी पीछे लगाई है, ठीक है, और ये बाजू तैयार कर ली है हमने। उसके बाद ये फिटिंग डाल दी है, फिटिंग के बाद ये हमने चाक जो खुले हुए थे यहाँ पर दोनों साइड, वो चाक भी हमने पैक कर दिए। यहाँ पे हमने बटन पट्टी लगा दी है, इस तरह से हमने पहले ऊपर बताई थी कि यहाँ पे कैसे लगानी, इसी तरीके से हमने नीचे लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें सारे बटन लगाना है, ये जो कुर्ते के कपड़े जो कुर्ते में से बटन निकले थे वही हम बटन लगाएंगे। आप इस लुक के ऊपर एक बेल्ट भी ऐड कर सकते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताना आपको एक वीडियो कैसा लगा।